यह शांत राग रुचु भी परमाणु भिस्त्वं निर्मापते स्न त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्ते एव खलु तैर्ण पृथ्वीयाम यत्ते समान परम नाहि रूपमस्ति। भावार्थ, हे जिनेन्द्र, जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं से आपकी रचना हुई है, मालूम होता है कि वे परमाणु उतने ही थे। यदि उससे अधिक होते तो आपके समान दूसरा रूप भी होना चाहिए था, पर दूसरा रूप है ही नहीं। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे उतने ही थे। हे भगवान, आप अद्वितीय सुंदर हैं। भगवान की देह शुभ शांत और सुंदर सुंदर परमाणुओं से निर्मित हुई है, क्योंकि धरती पर जितने भी शुभ शांत और सुंदर परमाणु थे, वह सब जिनेन्द्र भगवान की देह में समाहित हो गए हैं। इस कथन से आचार्य मानतुंजी कहना चाह रहे हैं कि वीतराग अरिहंत भगवान धरती पर अद्वितीय अनुपम सुंदर हैं। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्र हारी निशेष निरजित जगत त्रि तयोपमानं बिंबं कलंक क्वालिनं क्वान शाकरस्य यद्दासरे भवति पांडु पलाश कल्पम। भावार्थ, हे नाथ, जिसने देव मनुष्य और धनेन्द्रों के नयनों का हरण कर लिया है और जिसके आगे तीनों जगत के सारे उपमान फीके पड़ गए हैं, ऐसे आपके अद्वितीय मुखमंडल की तुलना चंद्रमंडल से नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तो चंद्रमा कलंकी है, दूसरे वह दिन में जीर्ण पत्र की तरह निस्तेज फीका और पीला पड़ जाता है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास त्रिभुवंतम तव लघयन्ति ये संस्कृताश जगतीश्वर नाथ मेकम कास्ति निवर्यते संचरतो यथेष्टम। भावार्थ, हे त्रिलोकीनाथ, आपकी उज्ज्वल गुणावली पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कलाओं का सदृश धवल है। आपके अनंत गुण तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि आपके उन गुणों ने जब तीन लोकों के नाथ का एकमेव सहारा ले लिया हो, तब उन्हें सर्वत स्वेच्छा पूर्वक विचरण करने से भला कौन रोक सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। वस्तुतः आपके अनंत गुण तीनों लोकों में व्याप्त होकर आपकी ही प्रभावना कर रहे हैं। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदिशांगनाभिनीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित। भावार्थ, हे तपोधन, आपकी शुक्ल ध्यान मंडित तेजोमयी मूर्ति को डिगाने में स्वर्ग की लावण्यमयी अनुपम अप्सराएं भी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि अर्थात आपके ध्यान को भंग नहीं कर सकी और ना आपकी स्वाभाविक परिणति को वैभाविक परिणति की ओर रंच मात्र भी खींच सकी। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कल्पांत काल अर्थात प्रलय काल की तेज आंधी छोटे मोटे पर्वतों को भले ही कंपायमान कर दे, परंतु क्या सुमेरु के जैसे विशाल काय पर्वत की चोटी को भी हिलाने की शक्ति उसमें है, अर्थात कभी नहीं।